वेलकम टू हाउस ऑफ पूर्णा। आज हम बनाएंगे पिंडी चना, जो अक्सर हम स्पेशल ओकेजन्स पर बनाते हैं और ये हमारे खाने की शान है। इसको हम रोटी, परांठा, भटूरा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। व्हाइट चना हमेशा मैं मीडियम साइज का लेती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से धोकर एक कप चने को हम 3 कप पानी के साथ भिगो कर रख देंगे। सुबह हम इसको प्रेशर कुकर में इसी पानी के साथ डालेंगे और बॉयल करते वक्त इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डालेंगे, जिससे हमारे चने बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, इसको थोड़ा सा काला रंग देने के लिए 1 पोटली में बांधकर चाय पत्ती, 1 मोटी इलायची, 3 तेज पत्ता, दालचीनी, दरदरी काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, सभी खड़े मसाले डालकर हम प्रेशर कुकर में इसको 20 मिनट तक स्टीम करवाएंगे। 20 मिनट बाद ठंडा होने पर कुकर को खोलेंगे और जो हमने चाय पत्ती की पोटली डाली थी उसे बाहर निकाल लेंगे और भी जो मसाले दिखाई दे रहे हैं उनको बाहर निकाल लेंगे। इससे मसालों का पूरा स्वाद और खुशबू हमारे चनों में आ जाती है। अब हम चनों को एक बोल में छान कर पानी से अलग कर लेंगे और चनों पर अब हम डालेंगे अपने सूखे मसाले। 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच देगी मिर्च, 1/2 चम्मच भुना जीरा, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1/2 चम्मच अमचूर, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी, 2 लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च तड़के के लिए रख लेंगे। अब इन सभी मसालों को हम एक साथ मिलाकर इनको चने में डाल देंगे और चनों के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे। अब आपने देखा है कि मैंने सभी मसालों को यहीं पर चने में डाल दिया है, ऑयल में नहीं डाला है। यही हमारे मसालों का मैजिक है, जिससे हमारा पिंडी चना इतना अच्छा बनकर तैयार होता है। मैं सभी मसालों को साबुत लाकर घर पर ही पीस लेती हूँ, उससे चनों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे, उसमें पिसा हुआ प्याज डालकर उसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डाल ले लेंगे, 2 साबुत मिर्च डालकर इसको भून लेंगे। अब हम 1/2 कप टमाटो प्यूरी डालकर मसाले को भून लेंगे। जब ये मसाला ऑयल छोड़ने लग जाएगा तो हम वो चने जो हमने तैयार करके रखे हैं उनको इस पैन में डालेंगे और सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद जो पानी हमने चनों से अलग किया था, जिसमें पूरी मसालों की खुशबू थी, उसी पानी को हम इन चनों पर डालकर इनको 2 मिनट तक पकने के लिए ढककर छोड़ देंगे, ताकि मसाले और पानी पूरी तरह से चनों के साथ मिक्स हो जाए। अब हम एक तड़का पैन में ऑयल गरम करेंगे, उसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च डालकर गरम करेंगे और देगी मिर्च डालकर गरम गरम तड़का चनों के ऊपर डाल देंगे। सर्विंग बोल में चनों को डालकर इसको कटी हुई प्याज और अदरक से गार्निश करेंगे।